मुरादाबाद के रहने वाले एक इवेंट मैनेजर ने 2 माह पहले अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसके द्वारा सभी दस्तावेज पुलिस को मुहैया कराए गए थे। पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली और सोनाक्षी सिन्हा पर कार्रवाई से पीछे हटने के बाद पीड़ित ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और न्याय न मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी है। मारने के लिए तुले हुए, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मोबाइल भी अपने बंद रखता हूँ मैं इस टाइम आज की डेट में, क्यों? क्योंकि लोग मुझे गाली गलौज बहुत दे रहे हैं फोन पर। फिर आगे क्या सर? अब मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं तो सर यही बस सोसाइटी के अलावा कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। एक बड़ी सेलिब्रिटी है और उनके पिता एमपी है, हो सकता है जैसे पुलिस काफ़ी दबाव में हो सकती है, वरना FIR में होनी चाहिए थी। डॉक्यूमेंट एविडेंस सारी हम दे चुके हैं, सारा काम हो चुका है। आगे अब आगे हम विचार विमर्श करते हैं, कोई और आगे कानूनी कार्रवाई कोर्ट का सहारा लिया जाएगा।